ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2015 एवं लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम अभी घोषित हुआ है, जिसमें प्रारंभिक परिणाम में संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत जाकर आरक्षित वर्ग के आवेदकों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस कारण चयन से आरक्षित वर्ग के हजारों आवेदक मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह गए हैं। प्रदेश के 87% आवेदकों को मात्र 50% पदों में सीमित किया गया है, जबकि 13% सामान्य आवेदकों को 50% का अनुचित लाभ देकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 का असंवैधानिक परिणाम घोषित कर आरक्षित वर्ग के आवेदकों के साथ बहुत अन्याय किया गया है। इसी तारतम्य में लेकर सर्वोच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 227/37/2020 एवं इंदिरा साहनी तथा आर के सबरवाल संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि अनारक्षित वर्ग की मेरिट में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को भी शामिल किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय की अवहेलना कर आरक्षण नियमों के विपरीत घोषित त्रुटिपूर्ण रिजल्ट में सामान्य आवेदकों को 40